जनाजा दल इंडाइटेड रख लीजिए, जनाजा इसका जनाजा निकलना है, जनता दल नहीं जनाजा दल। और जनाजा दल किसने किया और किसी ने नहीं, इस पार्टी के मुखिया स्वयं नीतीश कुमार ने। जनता दल यूनाइटेड, अब जनता दल यूनाइटेड नहीं है, जनता दल यूनाइटेड कहने से ज्यादा अच्छा है इसका नाम जनाजा दल यूनाइटेड रख लीजिए, जनाजा इसका जनाजा निकलना है, जनता दल नहीं जनाजा दल। और जनाजा दल किसने किया और किसी ने नहीं, इस पार्टी के मुखिया स्वयं नीतीश कुमार ने। उनके कारण ऐसा हो गया कि पार्टी का पूरे तौर पर जनाजा निकल गया, उन्होंने जनाजा निकाल दिया। ऐसा ने निर्णय ले लिया कि गाड़ी का एक्सीडेंट तो होना ही था, अब कोई गाड़ी टॉप गियर पे चल रही हो और अचानक से ड्राइवर बैक गियर लगा है, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं हो, तो एक्सीडेंट होना ही था। और इस एक्सीडेंट में पार्टी पूरे तौर पर चकनाचूर हो। जनता दल यूनाइटेड का अब सिर्फ साइन बोर्ड रह गया है आगे का नेम प्लेट, बाकी अंदर से माल पूरा का पूरा खाली है। जिस समय हम समझा रहे थे नीतीश जी को, मान जाइए नीतीश जी, समझ लीजिए पार्टी कमजोर हो रही है, बर्बाद हो रही है, तो हमारी बात पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने कहा कि जहां जाना है फिल्टर कुशवाहा चला जाए। हमने उसी समय कहा था भूपिंदर कुशवाहा ऐसे नहीं जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा। और हिस्सा हिस्सा क्या लेना है, तो पूरा का पूरा मुकम्मल लेकर जाएंगे, पूरा का पूरा, क्योंकि समाज के तमाम वैसे वर्गों ने जनता दल यूनाइटेड का साथ दिया था, सहयोग किया था। जिन लोगों को सख्त एतराज था राष्ट्रीय जनता दल से, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जो गुलबंद हुए थे लोग, उन्हीं की गुलबंदी से जनता दल यूनाइटेड का निर्माण हुआ था। अब नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया कि जहां से हम चले थे वही बिहार को पहुंचा देंगे। 2005 से शुरू किए थे ना संघर्ष का, 2005 के पहले तो संघर्ष चला था 10-12 साल तक। तो संघर्ष के उपरांत नीतीश कुमार जी जहां से चले बिहार के लोगों ने उनके ऊपर बिहार का दायित्व दिया। 2005 में जो कुशासन था उसके पहले, उस कुशासन से बिहार को बाहर लाने के लिए उनके ऊपर दायित्व दिया, तो वहां से नीतीश जी ने बाहर निकाला बिहार। निश्चित रूप से इस बात का क्रेडिट नीतीश कुमार जी को देना चाहिए, बिहार को वहां से तो बाहर निकाला। लेकिन अब अंत में आकर के फिर से उन्होंने जिद छान ली कि बिहार को फिर वही पहुंचाएंगे जहां से बिहार को हम बाहर लाए थे। भाई और मित्रों, हम तो अपना सब कुछ कुर्बान करके नीतीश जी के साथ चले गए। मेरे उस निर्णय की आलोचना भी होती है, कुछ लोग अपने लोग भी कहते हैं कि क्यों ऐसा आपने किया था, जो कुछ भी हमने किया था बहुत सोच समझ कर किया था। जिस वक्त हमने ऐसा डिसीजन लिया था, हमने उस समय की परिस्थिति का आकलन किया था। 2020 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, उस परिणाम में साफ दिखा कि जनता दल यूनाइटेड का जो जनाधार था उसमें बड़ा हिस्सा, उस जनाधार का हम सब लोगों ने अपने पास कर लिया था। वोट का डिवीजन जिस रूप में हुआ, उस डिवीजन का परिणाम हुआ कि जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो गया और कभी 115-18 जीते थे नीतीश कुमार जी 40-43 पर आ गए। तो जब इतना कमजोर नीतीश कुमार जी हो गए, तब अचानक से नीतीश कुमार जी के मन में कुछ बात आई, उन्होंने मुझसे बात की और मुझको भी लगा कि निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में हम और नीतीश जी अलग अलग चलते रह जाएंगे, तो
तो फिर से कहीं 2005 के पहले वाला जो जिनके हाथ में सत्ता थी, फिर से उनको ना कहीं मौका मिल जाए और वैसे लोग फिर से अपना लालटेन का शीशा थोड़ा पूछ उछ करके फिर से ठीक ठाक करने लगे, लगा कि फिर से लालटेन लोग जला देंगे। तो हमको लगा कि अब गड़बड़ हो जाए, यह गड़बड़ हो जाएगा, नीतीश कुमार जी और हम अलग रहेंगे तो लालटेन वाले फिर से लालटेन जला देंगे। तब हमने तय किया कि नहीं, राजनीति में कुछ आलोचना लोग करेंगे तो उस आलोचना को हम झेल लेंगे, लेकिन लालटेन वाला को फिर से लालटेन नहीं जला देंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।